साथ हूँ शारदा बाल निकेतन की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 10वीं का पार्ट नंबर 9 भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय कृषि के बारे में बात करें तो भारतीय कृषि का इतिहास बहुत पुराना है। हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उस समय भी भारत में कृषि उन्नत अवस्था में थी। उसके बाद महाजनपद काल। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में लगभग 60% किताबों में कहीं 54.6 है, कहीं 56% दे रखा है, लेकिन लगभग हम 60% जो भारत की जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि में जुड़ी है। साथ ही कृषि का भारत के सकल घरेलू अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में 17.6 या लगभग 18% हिस्सा है। अब भारत में कृषि को मानसून का जुवा कहा जाता है। कहीं भारत में कृषि जो सिंचाई नदी घाटी क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है, वहाँ कृषि अधिक होती है, जैसे गंगा यमुना का मैदानी भाग है, दक्षिणी प्रायद्वीप पठार है, समुद्र तटीय मैदान है, ये कृषि के भारत के उन्नत क्षेत्र हैं। अब हम भारतीय कृषि को दो भागों में बांटा गया है, एक उपयोग के आधार पर और एक ऋतुओं के आधार पर। तो सबसे पहले हम ऋतुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर किन किन ऋतुओं के आधार पर किन किन नाम से जाना जाता है ये पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण, तीन भागों में बांटा गया है ऋतुओं के आधार पर। इसमें पहला भाग है खरीफ की फसल, राजस्थान में इसे चौमासा की फसल कहते हैं, ग्रीष्मकालीन या वर्षाकालीन। अब इसकी बुआई, सबसे पहला पॉइंट आएगा बुआई कब होती है, तो बुआई इसकी होती है जून जुलाई में। जून जुलाई में खरीफ की फसलों की बुआई होती है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें डाल देंगे हम कटाई, कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। फिर प्रमुख फसलें कौन कौन सी फसलें होती है, तो इसमें है कपास, गन्ना, बाजरा, मक्का, चावल, समस्त दलहन चना व मसूर को छोड़कर, समस्त दलहन चना व मसूर को छोड़कर। चना और मसूर दोनों रबी की सीजन में बोई जाती है। इसके साथ समस्त तिलहन, सरसों और अलसी को छोड़कर, वे समस्त तिलहन, समस्त तिलहन, अलसी व सरसों को छोड़कर, अलसी व सरसों को छोड़कर। अब जो खरीफ की फसल है, ये इसकी जो सिंचाई है ये अधिकतर वर्षा पर निर्भर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं पूर्णतया वर्षा पर निर्भर। लेकिन जो सिंचित भाग है भारत के, जैसे नदी नहरी क्षेत्र है, कुएं नलकूप है, वहां पर ये उन स्रोतों से इनकी सिंचाई की जाती है। तो पहला भाग है हमारे खरीफ की फसल। खरीफ की फसल हमने सारा पॉइंट दे दिया, बुआई कब होती है जून जुलाई में, कटाई अक्टूबर नवंबर में, फसलें कौन कौन सी है कपास, गन्ना, बाजरा, मक्का, चावल, समस्त दलहन, चना और मसूर को छोड़कर। चना और मसूर रबी की फसल यानी सर्दी में बोई जाती है, और समस्त तिलहन अलसी व सरसों को छोड़कर। सिंचाई पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है, कई सिंचित क्षेत्रों में कुएं नलकूपों नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। खरीफ की फसल पूर्णतया मानसून पर निर्भर है, इसलिए इसे मानसून का जुवा कहा जाता है। फिर इसका दूसरा पार्ट है रबी की फसल। रबी की फसल
रबी की फसल को शीतकालीन फसल, ये शीतकालीन फसल कहलाती है। अब इसमें भी पहला पॉइंट है बुआई, तो जब खरीफ की कटाई होती है तब इसकी बुआई होती है। बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर कटाई अप्रैल मार्च अप्रैल में कटाई होती है इसकी, कटाई मार्च अप्रैल में। फिर अगला तीसरा पॉइंट प्रमुख फसल है, तो इसकी फसल है वही है जैसे गेहूं, गेहूं के साथ चना, सरसों, जीरा, धनिया, इसबगोल, अफीम, ये सारी रबी की फसलें हैं। ये पूर्णतया सिंचाई के साधनों पर निर्भर है, इनकी जो सिंचाई है ये पूर्णतया सिंचाई के साधनों पर निर्भर है। ये वर्षा पर निर्भर है लेकिन ये पूर्णतया सिंचाई के साधनों जैसे कुएं, नलकूप और नहरी क्षेत्र हैं, ये प्रमुख भारत में रबी की फसलें पूर्णतया सिंचाई आधारित है। तीसरा इसका पार्ट है जायद की फसलें, जायद की फसलें। जायद के फसले में बात करें तो ये मानसून से पहले और खरीफ की फसल से पहले और रबी की फसल के बाद बीच में जो समय है उसमें बोई जाती है, तो इसकी बुआई होती है आपके मार्च फरवरी से अप्रैल तक, फरवरी से अप्रैल तक इनकी बुआई होती है। कटाई होती है जून जुलाई में, कटाई होती है जून और जुलाई में। प्रमुख फसलों की बात करें तो इस समय ज्यादातर पशुओं के लिए चारे की फसल है और कुछ सब्जियां जैसे तरबूज, लौकी, ककड़ी, ऐसे सब्जियां और पशुओं के लिए चारा, ये प्रमुख बोई जाती है। तो ये हमारा उपयोग के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर जो भारतीय कृषि का जो रिक्त है वो पूरा हुआ। इनमें कुछ नाम लिख देते हैं जैसे तरबूज, लौकी, ककड़ी और रिचका बाजरी जो पशुओं के चारे के काम होती है, ये इस समय बोई जाती है। तो ये ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि का वर्गीकरण हो गया, पहला खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल और जायद की फसल। अब एक हम चार्ट बनाएंगे तीनों को साथ में, पहले हमने एक बार का अध्ययन कर लिया, अब चार्ट के माध्यम से क्या है एक बार और अध्ययन करेंगे तो आपस समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चार्ट में बांटते हैं तो पहली आ जाएगी यहाँ खरीफ, दूसरी आ जाएगी यहाँ पे रबी और तीसरी यहाँ पे आ जाएगी जायद। ये ऋतुओं के आधार पर हम कर रहे हैं वर्गीकरण, तो खरीफ ग्रीष्मकालीन, ऋतुओं के आधार पर बांटते हैं तो खरीफ आती है ग्रीष्मकालीन, रबी आती है शीतकालीन, जायद बसंतकालीन। फरवरी से अप्रैल का है, अप्रैल की ऋतु बसंतकालीन ऋतु कहलाती है हमारे भारत में। तो अब खरीफ की फसल, खरीफ की फसल का पहला पॉइंट यहाँ दे देंगे बुआई, बुआई जून जुलाई में होती है। कटाई होती है आपके अक्टूबर नवंबर में। प्रमुख फसलें, फसलें की बात करें कपास, गन्ना, चावल, बाजरा, मूंगफली, समस्त दलहन चना व मसूर को छोड़कर, समस्त दलहन चना व मसूर को छोड़कर, चना व मसूर को छोड़कर।
इसके साथ अनेक प्रकार के तिलहन सरसों और अलसी को छोड़कर समस्त तिलहन सरसों व अलसी को छोड़कर अलसी कम होती है, सरसों बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए हम सरसों को लेंगे। सरसों सिंचाई पूर्णतया वर्षा पड़ने पर, सिंचाई पूर्णतया वर्षा पर निर्भर। तो ये हमारे खरीफ को ग्रीष्मकालीन फसलें कहा जाता है। हमारे राजस्थान की भाषा में इसको चौमासे की फसलें कहते हैं। बुआई जून जुलाई में होती है, कटे अक्टूबर नवंबर में होती है। प्रमुख फसलें की बात करें तो कपास, गन्ना, चावल, बाजरा, मूंगफली, समस्त दलहन, चना और मैसूर को छोड़कर। चना और मैसूर रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलों में नहीं आती है, इसलिए हमने इनको लिखा है। चना मैसूर को छोड़कर समस्त तिलहन सरसों और अलसी को छोड़कर। अलसी कम होती है, कम मात्रा में होती है, लेकिन सरसों बड़ी मात्रा में होती है, रबी की फसल है। सिंचाई पूर्णतया वर्षा पर निर्भर, वर्षा के साथ साथ अनेक सिंचाई साधन कुएं, नलकूप और नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो हमारे खरीफ की फसल का पार्ट पूरा हुआ। दूसरा पार्ट करते हैं रबी की फसल। तो रबी की फसल की बुआई होती है आपके जब खरीफ की कटती है, मतलब अक्टूबर और नवंबर में इनको बोया जाता है। कटाई मार्च अप्रैल में होती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो इन फसलों में सबसे ज्यादा होती है रबी में गेहूं, गेहूं के बाद सरसों के साथ जीरा, इसबगोल, अफीम, चना, मैसूर, राई, ये प्रमुख रबी की फसलें हैं। इनकी सिंचाई की बात करें तो इनकी सिंचाई पूर्णतया सिंचाई के साधनों पर निर्भर है, रबी की फसल किस पर निर्भर है तो सिंचाई पूर्णतया सिंचाई के साधनों पर निर्भर है। सिंचाई के साधनों की बात करें तो कुओं, नलकूप और नहरों द्वारा। तो ये हमारा रबी का पार्ट पूरा हो गया। इसको शीतकालीन कहते हैं। वो अक्टूबर नवंबर में होती है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। फसलें गेहूं, सरसों, जीरा, इसबगोल, अफीम, चना, मैसूर, राई। सिंचाई पूर्णतया सिंचाई के साधनों पर निर्भर, कुओं, नलकूप और नहरों पर। फिर जायद की फसलें, जायद की फसलों की बुआई होती है आपके फरवरी से अप्रैल के बीच। कटाई होती है जून जुलाई में। प्रमुख फसलें की बात करें तो इस समय ज्यादातर फसलें जो बसंतकालीन सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, भिंडी है, तरबूज है, ककड़ी है, तो इसके साथ साथ अनेक चारे की फसलें बोई जाती है। तो तीसरा पार्ट हमारे जायद की फसलें, इनको बसंतकालीन फसलें भी कहा जाता है। वो फरवरी से अप्रैल के बीच होती है, कटे जून जुलाई में होती है। फसलें लौकी, भिंडी, तरबूज, ककड़ी वे चारे की फसलें। चारों फसलें में रिचका बाजरी चारे की फसलें, हम स्थानीय भाषा में नाम रिचका बाजरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये उपयोग के आधार पर भारतीय कृषि का जो हमारा विवरण पूरा हो गया। इसके आगे दूसरा पार्ट है उपयोग के आधार पर